देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाई कमान के ऊपर है, नहीं आ रहा हो ना, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करें। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे देती है, ये देखिए चार परिस्थितियां ऐसी बनी और किस किस वजह से ऐसा हुआ ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता। टिकट कटने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये वाला? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं, अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होगी, वो मेरे नेता ने अब वो जैसा समझे वैसा करे। आज लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, वो गालिबन रामपुर के भी आए। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल कर रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्यों? क्योंकि आजम खान साहब का भी इसमें नाम आ रहा है कि वो तो आपके साथ रहे, तो एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो लास्ट मोमेंट पर? देखिए अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता, कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है, अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जिलाधिकारी का कहना है कि अभी 3 बजे तक का समय था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पत्र आ जाता तो आप अधिक, अब 3:20 हो गए हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी उनके अनुसार समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा रहेंगी? देखिए, 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है ये जाते हैं, अगर वो अधिकृत प्रत्याशी है और जाहिर है इस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक है, जिसको चाहे लड़ाए जिसको चाहे ना लड़ाए। डॉक्टर साहब, 5 साल तक आपने मुस्लिम क्यादत की थी और सांसद में काफी बोले थे और सारी समस्याओं में बोले थे मुरादाबाद की, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्योंकि मुस्लिम समाज के जो आप ही एक लीडर मौजूद नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जहां तक मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ल्ड से आता हूँ, तो मैं, और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी हुआ है, आप 70 साल के इतिहास को बताते हैं। और उन्होंने ही मुझे पार्लियामेंट में भेजा था, तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूँगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति को क्रिटिसाइज करा है, मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई थी जो प्यार मोहब्बत चाहती, तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना तो एसटीएफएन की शख्सियत को थोड़ी खत्म कर। तो क्या मजबूरी थी जो मुस्लिम सियासत को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है? ये आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है। तो अब टिकट को लेकर क्या फाइनल अपडेट है? अब तो रुचि वीरा ही, जैसे वो बता रहे हैं कि डीएम साहब ने, इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है, अब जो भी इसमें कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन कैंडिडेट है। पार्टी की तरफ से आपको कुछ अपडेट दिया गया कि हाँ अब किसको टिकट दिया गया है, कंफर्मेशन? डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से व्यूमर्स चल रहे थे कल से, अब पूरी पर कंफर्म भी हो गया, नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के और नेता से कि ये व्यूमर्स हैं या क्या है कल से आज तक? व्यूमर्स की होती वो तो साफ दिख रहा था जी, जब वो देखे आई है और उन्होंने उन्होंने नॉमिनेशन कराया है तो जाहिर है हमारे बड़े नेताओं की सहमति से तो कराया होगा। क्या स्टेप रहेगी नेक्स्ट स्टेप इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी? देखिए, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ